हेलो फ्रेंड्स, मैं कपीश चौधरी सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की क्लास करेंगे। तो आज का हम पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, यानी कि हमारा सब्जेक्ट है आज का इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड गवर्नेंस, ठीक है। तो हमारा इसका पहला चैप्टर रहेगा, हम स्टार्टिंग में गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे। तो ये हमारा सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो इसके हम पहला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सरकार क्या होती है, यानी कि हमारा पहला टॉपिक रहेगा सरकार, यानी गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि पहला टॉपिक हमारा है सरकार। तो सरकार क्या होती है, कि सरकार क्या होती है, सरकार क्या है, एक समूह होती है। अब वो समूह किसका होती है, यानी कि सरकार समूह होती है किसका, निश्चित व्यक्तियों का। यानी कि सरकार क्या होती है, एक समूह होती है किसका, एक निश्चित व्यक्तियों का। और वो निश्चित व्यक्ति क्या करते हैं, किसी राष्ट्र या फिर किसी राज्य में, यानी कि वो निश्चित समूह किसी राष्ट्र या किसी राज्य में क्या करता है, निश्चित समय के लिए क्या करता है, निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है। यानी कि निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं सरकार, ठीक है। यानी कि सरकार क्या होती है, यानी कि सरकार एक समूह है किसका, निश्चित व्यक्तियों का, ठीक है। और वो निश्चित व्यक्तियों का समूह क्या करता है, किसी राष्ट्र या राज्य के लिए, यानी कि किसी राष्ट्र या राज्य के लिए क्या करता है, निश्चित समय के लिए, निश्चित पद्धति द्वारा, यानी कि एक निश्चित समय के लिए। अगर हम सरकार की बात करें, जैसा हम जानते हैं कि सरकार का कार्यकाल कितना होता है, एक सरकार का 5 वर्ष, यानी किसी भी राजनीतिक पार्टी जो सरकार सत्ता में आती है तो उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष, यानी कि एक निश्चित समय के लिए निश्चित पद्धति द्वारा क्या करती है, शासन करती है। और जो शासन करता है, जो समूह शासन करता है निश्चित पद्धति द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं, सरकार, ठीक है। तो अगर हम बात के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो क्या है, देखते हैं, यानी कि हम बात करेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में कि भारत क्या है, ठीक है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। यानी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें क्या है, सरकार के तीनों अंग कौन कौन से हैं, वो सरकार के तीनों अंग, पहली बात करें हम विधायिका की, और दूसरा अगर हम बात करें कौन सा है, कार्यपालिका, ठीक है। और हम तीसरी बात करें तो कौन सा है, हमारी न्यायपालिका, ठीक है। यानी कि सरकार, भारत की बात करें तो भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर सरकार के तीनों अंगों, यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ठीक है, इसको क्या है, बराबर का स्थान प्राप्त है, इन तीनों को बराबर का स्थान प्राप्त है,
मतलब क्या है इसका, यानी कि बराबर जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इनको क्या है बराबर का स्थान प्राप्त है। कहां पर? भारतीय लोकतांत्रिक देश में, यानी कि जो भारतीय लोकतांत्रिक देश है इसमें सरकार के जो तीनों अंग है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनको बराबर का स्थान है। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी अंग को, यानी कि किसी भी अंग को सर्वोच्चता प्राप्त नहीं है, सर्वोच्चता प्राप्त नहीं है, ठीक है। यानी कि जो हमारा भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें क्या है कि सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को समान दर्जा दिया गया है, बराबर का स्थान प्राप्त है। किसी भी अंग को, यानी कि न ही कार्यपालिका को, न ही विधायिका को, न ही न्यायपालिका को किसी भी प्रकार की कोई भी सर्वोच्चता प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसमें हम आगे हम बात करेंगे जो सरकार के हम तीनों अंग है, जो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, तो हम विधायिका की बात करते हैं। यानी कि हमने बात की है भारत की, भारत क्या है एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सरकार के तीनों अंग यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को समान दर्जा प्राप्त है, समान अधिकार प्राप्त है, ठीक है। यानी कि समानता प्राप्त है, तीनों में समानता है, किसी भी अंग को सर्वोच्चता प्रदान नहीं की गई है, ठीक है। तो अगर हम बात करें आगे सरकार के पहले अंग की, विधायिका की, अब बात करते हैं हम विधायिका की, ठीक है। अब विधायिका क्या है, विधायिका का काम क्या है, विधायिका के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, विधायिका क्या करती है, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि बात करें हम विधायिका की, सरकार के पहले विधायिका की। विधायिका क्या करती है, कानूनों व विधियों का निर्माण करती है, क्या करती है, कानूनों व विधियों का निर्माण करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी देश में कानून, नियम, जो विधियां है उसका निर्माण कौन करती है, विधायिका। और इसके साथ साथ क्या करती है विधायिका, क्या करती है संविधान संशोधन भी करती है। यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है अगर उसमें परिवर्तन करना है, उसमें संशोधन करना है, तो वो कौन करती है, हमारी विधायिका, ठीक है। लेकिन यहां पर बात यह है कि क्या विधायिका संविधान संशोधन करती है, हाँ करती है, लेकिन इसके लिए भी एक सीमा है, यानी कि एक लिमिट है, यानी कि इसको सीमा में रहकर ही यह संविधान संशोधन कर सकती है, ठीक है। यानी कि हमारी जो विधायिका है वो संविधान संशोधन कर सकती है, कर सकती है, संविधान में परिवर्तन कर सकती है, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकती है, लेकिन एक सीमा में रहकर, एक लिमिट में रहकर, ठीक है। यानी कि विधायिका की काम क्या है, यानी जो कानून है, जो विधियां है, जो नियम है, उनका निर्माण करना, तथा संविधान, दूसरा संविधान संशोधन, यानी कि हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें परिवर्तन करना, उसको क्या कहते हैं, संविधान संशोधन, लेकिन सीमा में रहकर, ठीक है। यानी कि संविधान संशोधन कर सकती है लेकिन एक सीमा में रहकर, ये नहीं कि संविधान को समाप्त ही कर दे, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं कार्यपालिका के बारे में। यानी कि विधायिका क्या करती है, कानूनों का निर्माण करती है, जो विधि है, कानून है, नियम है, जो संपूर्ण राष्ट्र के लिए, उनको कानूनों का निर्माण करती है और संविधान में संशोधन करती है। अगर हम बात करें, यानी कि पहले विधायिका की बात कर ली, अगर हम दूसरे अंग की बात करें कार्यपालिका की, कार्यपालिका, ठीक है। यानी कि जैसे कि स्पष्ट हो रहा है कि कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका, यानी कि कुछ काम तो कर रही है ये। अब ये क्या करती है कार्यपालिका, क्या करती है वो देखते हैं कि जो विधायिका ने, यानी कि जो विधायिका ने जिन कानूनों का निर्माण किया, जिन कानून या जिस विधि का निर्माण किया, विधायिका ने जिस कानून या जिस विधि का निर्माण किया, उसको संपूर्ण राष्ट्र में, यानी कि संपूर्ण राष्ट्र में लागू कौन करती है, लागू करने की शक्ति किसके पास है, कार्यपालिका के पास, लागू करने की शक्ति,
किसके पास है? कार्यपालिका के पास, ठीक है। यानी कि जो कार्यपालिका है उसका काम क्या है, जो विधायिका ने जिन कानूनों और विधियों का निर्माण किया उसको संपूर्ण राष्ट्र में लागू करने की शक्ति किसके पास है? कार्यपालिका के पास, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन आता है, यानी जो हमारी कार्यपालिका है, कार्यपालिका में कौन कौन आता है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? हमारे भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, जो हमारे देश का प्रमुख नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है, भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, और कैबिनेट मंत्री, सॉरी प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से होते हैं कि विधायक कौन, इसको शामिल किया जाता है कार्यपालिका में, भारत का जो हमारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इसमें कार्यपालिका में शामिल किया जाता है। अब बात करें कि कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से वो हम देखते हैं। यानी कि कार्यपालिका के काम क्या होते हैं कि जो विधायिका ने कानून और जो विधि जिन विधियों का निर्माण किया उसको संपूर्ण राष्ट्र में लागू करने की शक्ति किसके पास होती है? कार्यपालिका के पास। और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और संपूर्ण मंत्रिपरिषद को कार्यपालिका में शामिल किया जाता है। और अब क्या है, हम इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं कि जो हमारी कार्यपालिका वो कितने प्रकार की होती है उसका हम जिक्र करते हैं कि कार्यपालिका के प्रकार कौन कौन कितने होते हैं। यानी कि अगर हम प्रकार की बात करें, प्रकार कितने होते हैं? दो। और वो कौन कौन से होते हैं? प्रथम की बात करें हम तो होती है स्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, ठीक है। यानी कि प्रथम कार्यपालिका कौन सी है? स्थायी कार्यपालिका, परमानेंट स्टेबल, यानी कि स्टेबिलिटी होती है इसका, यानी कि स्टेबल कार्यपालिका, परमानेंट होती है ये, ठीक है। और जो हम दूसरी बात करें तो वो कौन 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 सी होती है? अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका, ठीक है। इनकी कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? कार्यपालिका होती है दो प्रकार की, पहली स्थायी कार्यपालिका और दूसरी अस्थायी कार्यपालिका। अगर हम अब बात करेंगे हम स्थायी कार्यपालिका की, स्थायी कार्यपालिका क्या होती है, इनकी स्थायी कार्यपालिका में किसको शामिल किया जाता है उसकी बात करें तो इसमें होते हैं, यानी कि स्थायी कार्यपालिका में किसको शामिल किया जाता है, जो IAS, IPS, IRS और जो अन्य कर्मचारी वर्ग होता है, जो अन्य कर्मचारी वर्ग है उसको उसको शामिल किया जाता है, ठीक है। यानी कि IAS, IPS, IRS और अन्य जो कर्मचारी वर्ग है वो उसको स्थायी कार्यपालिका में इनको शामिल किया जाता है। और स्थायी कार्यपालिका को क्या कहते हैं हम? प्रशासनिक कार्यपालिका भी कहते हैं। अब प्रशासनिक कार्यपालिका क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रशासन का संचालन करती है, यानी कि ये क्या करते हैं? प्रशासन का संचालन करती है। और इसको स्थायी कार्यपालिका क्यों कहते हैं उसकी बात करें, जो IAS, IPS, IRS जो अन्य कर्मचारी वर्ग है इनको इसमें शामिल किया जाता है। और जब इनको शामिल किया जाता है तो ये क्या है? ये अधिकारी है और ये अपना अपनी सर्विस पूरी, यानी कि अपनी सेवा पूरी होने के बाद, यानी कि सेवानिवृत्ति तक इसमें अपना योगदान देते हैं। और ये कब इसमें कब तक रहते हैं? अपनी सर्विस पूरी होने तक, यानी जब तक इनको ये रिटायर नहीं होते तब तक ये अपनी सर्विस यहाँ पर देते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है? स्थायी कार्यपालिका। अगर हम बात करें अस्थायी कार्यपालिका की तो क्या होती है देखते हैं। अगर हम बात करें अस्थायी कार्यपालिका, यानी कि हम पहली वे कौन सी थी? स्थायी। और दूसरी बात करें अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका, अब इसमें कौन किसको शामिल किया जाता है? अगर हम बात करें इसकी तो इसमें किसको शामिल किया जाता है? मंत्रियों को शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है? मंत्रियों को शामिल किया जाता है, यानी कि सभी मंत्रियों को इसमें शामिल किया जाता है।
और इसको क्या कहते हैं, अस्थाई कार्यपालिका कहते हैं। अब इसको अस्थाई कार्यपालिका क्यों कहते हैं, यानी कि मंत्रियों को जब शामिल किया गया है तो इसको हम अस्थाई कार्यपालिका क्यों कहेंगे, ये इसलिए कहेंगे क्योंकि जो मंत्री होते हैं ये क्या किसी राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं, यानी कि राज जो राजनीतिक दल है उनके सदस्य होते हैं, जो राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं और ये अब सत्ता में आने के पश्चात क्या करते हैं, शासन करते हैं और उसकी शासन की सीमा क्या होती है, सीमित होती है। मत कहने का तात्पर्य यह है इनकी इनका कार्यकाल क्या होता है, इनका कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, ठीक है। यानी कि जब इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और कई बार ऐसा होता है कि 5 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद भी जो राजनीतिक दल किसी सत्ता में होता है, यानी कि जो सरकार होती है जिस राजनीतिक दल सत्ता होते हैं, यानी कि 5 वर्ष से पहले ही सरकार गिर जाती है, उनको सरकार को कई बार इस्तीफा देना पड़ जाता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। और अस्थायी कार्यपालिका क्या करती है, नीतियों का भी निर्माण करती है, यानी कि नीतियों का निर्माण करती है, यानी कि नीतियों का निर्माण करती है, नीतियों का निर्माण करती है, इनकी अस्थायी कार्यपालिका क्या कर सकती है, जो मंत्री है जो हमारे जिनको मंत्रियों का शामिल किया जाता है अस्थायी कार्यपालिका में, अस्थायी कार्यपालिका क्या करती है, नीतियों का निर्माण कर सकती है, ठीक है। और यानी कि हमने कार्यपालिका के बारे में पढ़ लिया है, आगे हम पढ़ेंगे हमारे सरकार का तीसरा अंग कौन सा, न्यायपालिका। ध्यान से सुनना इसको लेक्चर को, बहुत ही सहायक सिद्ध होगा आपके प्रिपरेशन में। अगर हम आगे बात करें कि न्यायपालिका की, यानी कि सरकार का जो तीसरा अंग है न्यायपालिका, यानी कि सरकार का तीसरा अंग कौन सा है, हमारे न्यायपालिका। अब न्यायपालिका क्या है उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। अब न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका से पहले हम देखेंगे अगर कार्य की बात करें, शक्तियां हैं जो कार्य है उनकी हम बात कर लेते हैं, तो न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका का पहला कार्य क्या है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सरकार के तीसरे अंग की बात कर रहे हैं, न्यायपालिका की मौलिक अधिकारों की रक्षा, ठीक है। यानी कि न्यायपालिका का प्रथम कार्य क्या है, नागरिकों की मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है, यानी कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। और दूसरा अगर हम कार्य की बात करें तो वो कौन सा है, विवादों का निपटान करना, जो विवादों का निपटारा करना, ठीक है, ठीक है। यानी कि विवादों का निपटान करना, यानी कि जो भी देश में जो सब किसी राष्ट्र में जो भी किसी भी प्रकार के विवाद होते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो व्यक्तिगत मामले हो, कुछ भी हो, तो उनको हम कौन करते हैं, क्या करते हैं, जो भी विवाद होते हैं उनका निपटान कौन करती है, हमारी न्यायपालिका। अगर हम विवादों की बात करें तो विवाद कौन कौन से होते हैं, अगर हम बात करें तो क्या है, एक राज्य वे राज्य के बीच में विवाद हो सकता है, यानी कि दो या तीन राज्यों के बीच में विवाद हो सकता है, तो वो कौन कौन, अगर हम इसको उदाहरण के रूप में बात करें तो हमने देखा था पहले न्यूज में रहा था कावेरी जल विवाद, ये क्या थे, ये दो राज्यों के बीच में विवाद था, इसका निपटान किसने किया, न्यायपालिका ने, ठीक है, इसका समाधान किसने किया, हमारी न्यायपालिका ने। यानी कि विवाद कौन कौन से होते हैं, पहला कौन सा हो सकता है, राज्य और राज्य के मध्य विवाद, यानी दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य जो भी विवाद होगा उसका निपटान कौन करेगा, हमारी न्यायपालिका। अगर हम दूसरे की बात करें तो वो कौन सा हो सकता है, यानी कि हम विवाद की बात कर रहे हैं कि विवाद कितने प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि केंद्र बात करें, पहला हमने पढ़ा कि राज्य के मध्य विवाद जो कौन सा होता है, कावेरी, जैसे अगर बात करें उदाहरण के रूप में कावेरी जल विवाद था, उसकी अगर हम बात करें तो, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है,
वह राज्य के मध्य विवाद, राज्य के मध्य विवाद। इसका कौन सा होता है उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं जीएसटी, यानी कि जब जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जब लागू किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको जब एक्ट बना दिया था, कानून लागू किया था, तो क्या हुआ था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद उत्पन्न हो गए थे। कहने का तात्पर्य है कि कुछ ऐसे राज्य है जिन्होंने जीएसटी जो हमारा प्रस्ताव था, जो हमारा कानून था, उसको मानने से, स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, और कुछ राज्यों ने स्वीकार कर लिया था और सेंटर ने इसको लागू कर दिया था। इस प्रकार से क्या है कि जो राज्यों की और सेंटर यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो विवाद होता है उसका समाधान कौन करती है, हमारी न्यायपालिका। और तीसरे की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है, यानी कि नागरिक व सरकार के मध्य विवाद, सरकार के मध्य विवाद। अगर हम बात करें कि नागरिक और सरकार के मध्य विवाद कौन सा था, उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं तीन तलाक। जो तीन तलाक कानून लागू किया गया था तो क्या हुआ, ये नागरिकों के मध्य और सरकार के मध्य विवाद हो गया था। नागरिकों ने इसको स्वीकार नहीं किया था, जो मुस्लिम समुदाय है उसने तीन तलाक कानून को स्वीकार नहीं किया था। तो इसका समाधान किसने किया था, हमारी न्यायपालिका ने, ठीक है। और नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट कार्य जैसे हमने पढ़ा था कि पहले दो कार्य पढ़ लिए हमने, पहला है मौलिक अधिकारों की रक्षा, यानी कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, और दूसरा है यानी कि विवादों का समाधान, विवादों का निपटारा कौन करती है, हमारी न्यायपालिका। अगर हम तीसरे की बात करें तो वो कौन सा है कि संविधान का संरक्षण, ठीक है, संविधान का संरक्षण। इनकी तीसरा का इसका काम, न्यायपालिका का काम कौन सा है कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसका संरक्षण करना, किसका कार्य है, हमारी न्यायपालिका का। और चौथा कौन सा है कि जो विधायिका ने, यानी कि जो विधायिका व कार्यपालिका, विधायिका ने कानून बनाए और कार्यपालिका ने उनको लागू किए संपूर्ण राष्ट्र में, यानी कि दूसरा इसका चौथा कार्य कौन सा है, जो विधायिका ने कानून बनाए, जो नीतियां बनाई, जो विधि बनाई और जो कार्यपालिका ने उसको संपूर्ण राष्ट्र में लागू किया, तो उसको संपूर्ण राष्ट्र में लागू किया, तो क्या उनका कार्य, यानी कि जो किसका कार्य है, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका का जो कार्य है, यानी जो ये इन्होंने काम किया, क्या वो संविधान के अनुसार है या नहीं, यानी कि संविधान के अनुसार है या नहीं, इसकी जांच कौन करती है, यानी कि इसकी जांच कौन करती है, हमारी न्यायपालिका इसकी जांच करती है। कौन करती है इसकी, न्यायपालिका क्या करती है, इसकी जांच करती है। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा जो न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका ने जो कानून बनाए और कार्यपालिका ने उसको संपूर्ण राष्ट्र में लागू किया, उसकी जांच कौन करती है कि संविधान के अनुसार इसको, विधायिका ने जो कानून बनाया वो उसके संविधान के अनुसार है, संविधान कहीं इसमें संविधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, तो इसकी जांच, या जो कार्यपालिका जो कार्य कर रही है क्या वो संविधान के अनुसार कर रही है या संविधान का उल्लंघन कर रही है, इसकी जांच कौन करती है, हमारी न्यायपालिका, ठीक है। आगे क्या है कि अगर हम कहें न्यायपालिका के बारे में एक और अगर बात कहें तो न्यायपालिका क्या है, हमारे संपूर्ण राष्ट्र में, संपूर्ण राष्ट्र यानी जो हमारा लोकतंत्र है, यानी कि हम अगर भारत जो लोकतंत्र है हमारा, यानी कि भारत की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, यानी जो लोकतंत्र है उसको क्या है, सुचारू रूप से, सुचारू यानी कि सही तरीके से, यानी कि सही तरीके से संचालन करने का एक क्या है, मार्गदर्शक है, कौन है, न्यायपालिका, ठीक है। यानी कि जो हमारा भारतीय लोकतंत्र है उसको सही और सुचारू रूप से संचालन करने के लिए क्या, न्यायपालिका क्या है, एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, ठीक है। यानी कि हमने अभी पढ़ा है कि सरकार के तीनों अंगों की, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अगर विधायिका की बात कर ली थी हमने, कार्यपालिका की, अब जो सरकार का तीसरा अंग है उसको, यानी कि न्यायपालिका की हमने बात कर ली, ठीक है।
आगे हमारा हम बात करते हैं संविधान की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें एक बार देखा था कि संविधान का संरक्षण, न्यायपालिका का काम था कि संविधान का संरक्षण, तो उसका हम आगे बात करते हैं। ठीक है, यानी कि संविधान, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, उसकी अगर हम बात करें तो क्या है संविधान, ये हमें एक इंट्रोडक्शन के रूप में थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, यानी कि हम बात करते हैं संविधान की, हम बात करते हैं संविधान की। ठीक है, अगर हम बात करें संविधान की, संविधान क्या है, संविधान क्या है, पहली बात कि संविधान क्या है, क्या है कि संविधान क्या है, लिखित लिखित विधियों नियमों व कानूनों का एक संग्रह। संविधान क्या है कि संविधान लिखित विधियों नियमों और कानूनों का एक संग्रह है, एक दस्तावेज है। ठीक है, संविधान की बात कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, संविधान क्या है, संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, सर्वोच्च विधि है। ठीक है, यानी कि सरकार, संविधान क्या है, संविधान क्या है, संपूर्ण देश की, हाँ यानी कि अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत की एक क्या है, सर्वोच्च विधि है, संविधान से बड़ी कोई भी विधि नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि जो हमारे केंद्र सरकार, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, राज्य सरकार जिस विधि का निर्माण करती है, यानी कि जिस विधि का निर्माण करती है वो क्या है, जिस विधि का निर्माण करती है वो क्या है, संविधान से छोटी होती है, संविधान से छोटी होती है। यानी कि हम जैसे पढ़ा कि हमारा संविधान क्या है, देश की सर्वोच्च विधि है, तो क्या है कि यानी कि जो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकारें हैं, जिस किसी कानून का, जिस विधि का निर्माण करता है, जो वह विधि क्या है, हमारे संविधान से छोटी है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी संसद है, यानी कि जो हमारा जो उस विधि क्या है, छोटी है। ठीक है, किससे, संविधान से। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी संसद है, जो हमारी संसद है, संसद क्या कर सकती है, संविधान संशोधन कर सकती है, संविधान संशोधन कर सकती है। यानी कि हमारी संसद है, संसद क्या करती है, संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान को समाप्त नहीं कर सकती, समाप्त नहीं कर सकती। यानी कि जो संसद है वो संविधान संशोधन कर सकती है, कर सकती है, लेकिन संविधान को समाप्त नहीं कर सकती। यानी कि जो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार जो विधि बनाती है वो क्या है, संविधान से छोटी है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी संसद है, जो हमारी पार्लियामेंट है, वो क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान को समाप्त नहीं कर सकती। ठीक है, आगे क्या है, संविधान में क्या है, जो सरकार के तीनों अंग है। ठीक है, यानी कि जो सरकार के तीनों अंग है, आगे हम संविधान की बात कर रहे हैं। ठीक है, तीन चार हमने पढ़ लिया, तीन चार लाइन, तीन चार पॉइंट पढ़े हैं। तो आगे क्या है कि जो सरकार के जो अंग है, सरकार के जो तीन अंग है, कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, वो उनके लिए क्या करती है, अंगों की शक्तियों का निर्धारण कौन करता है, संविधान। शक्तियों का निर्धारण कौन करता है,
हमारा भारतीय संविधान। यानी कि जो सरकार क्या है, सरकार के जो तीनों अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनकी शक्तियों का निर्धारण कौन करता है? संविधान, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या करती है, इस इन जो इन शक्तियों का जो इन पर तीनों अंगों पर प्रतिबंध भी लगाती है, ठीक है। यानी कि संविधान क्या है, हमारे देश की सर्वोच्च विधि है। यानी कि जो सरकार क्या, सरकार के जो तीन अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके लिए शक्तियों का निर्धारण करती है और इन तीनों अंगों पर प्रतिबंध भी लगाता है। कौन लगाता है? हमारा संविधान, ठीक है। अब और क्या है कि सरकार क्या करती है, संविधान क्या करती है कि सरकार वह नागरिकों के मध्य संबंध स्थापित करता है। कौन करता है? संविधान स्थापित करता है, ठीक है। यानी कि क्या है कि नागरिकों और सरकार के मध्य जो संबंध है, वो उसकी स्थापना कौन करता है? हमारा संविधान। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा देश के जो नागरिक है, वो सरकार में कितना हस्तक्षेप करते हैं, उनका सरकार में कितना योगदान होता है, और जो हमारी सरकार है वो नागरिकों के जीवन में कितना हस्तक्षेप कर सकती है, इस चीज का निर्धारण कौन करता है? हमारा संविधान, ठीक है। तो आगे हम बात करें कि सरकार संविधान क्या करता है। संविधान क्या करता है, आगे और बात करें तो संविधान क्या करता है, हमारे समाज में समानता स्थापित करता है। जो समाज में समानता स्थापित करता है, यानी कि जो सामाजिक जो न्याय है, उनके आदर्शों की स्थापना कौन करता है? संविधान। यानी कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो क्या है कि जो हमारा समाज है, इस समाज में समानता स्थापित करना, वह जो सामाजिक न्याय है, जो सामाजिक न्याय के जो आदर्श है, जो वैल्यू है, जो मूल्य है, जो आदर्शों को स्थापित करना, ठीक है। यानी कि जो हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है कि हमारे समाज में समानता व सामाजिक न्याय के जो आदर्श है, उनको स्थापित करना, उनकी स्थापना करना हमारे समाज का, यानी कि हमारे संविधान का उद्देश्य है, ठीक है। आगे हम बात करें कि एक नया शब्द आएगा कि संविधानवाद। यानी कि संविधान के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं कि संविधानवाद, संविधान में चल रहा है अभी, कोई नया टॉपिक नहीं है, लेकिन इसी में है कि संविधानवाद क्या है। संविधानवाद, ठीक है, यानी कि संविधानवाद क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो क्या है कि संविधान को जो है, संविधानवाद को क्या है, संविधानवाद को संविधान से अलग किया जा सकता है। यानी कि संविधानवाद क्या है कि संविधानवाद को संविधान से अलग किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि संविधानवाद तो क्या है कि संविधान की, अगर हम आगे देखो इसको समझने के लिए कि संविधान क्या है, संविधान प्रत्येक देश में चाहे वो देश लोकतांत्रिक हो या गैर लोकतांत्रिक हो, संविधान क्या है कि प्रत्येक देश में, चाहे वो देश लोकतांत्रिक हो या गैर लोकतांत्रिक हो, उसमें विद्यमान होता है।
यानी कि उसमें वो उपस्थित होता है, किस किस प्रकार से उपस्थित होता है, लिखित या अलिखित रूप में, ठीक है। यानी कि संविधान क्या है, प्रत्येक देश में चाहे वो देश लोकतांत्रिक हो चाहे वो गैर लोकतांत्रिक हो, उसमें विद्यमान रहता है, वो लिखित या अलिखित रूप में विद्यमान रहता है। अगर हम बात करें लोकतांत्रिक देशों की, हमने की क्या कि संविधान क्या है, प्रत्येक देश में विद्यमान रहता है। अगर हम बात करें अब लोकतांत्रिक देशों की, जिसमें क्या हम शामिल करते हैं भारत को, ब्रिटेन को और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को, ठीक है, यूएसए को, यानी कि हम बात करें लोकतांत्रिक देश की, लोकतांत्रिक देशों की, समझो इसे, यानी कि हम बात करें लोकतांत्रिक देशों की, यानी कि बात करें हम भारत की, बात करें हम ब्रिटेन की और हम बात करें यूएसए की, ये क्या है, ये तीनों देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है, ये क्या है, लोकतांत्रिक देश है और इसमें लिखित संविधान है, यानी कि ये क्या है, लोकतांत्रिक देश है और इसमें लिखित संविधान है, संविधान है, ठीक है। यानी कि ये भारत, ब्रिटेन और हम यूएसए अमेरिका की बात करें तो क्या है कि लोकतांत्रिक देश है इसकी, और इसमें क्या है, हमारा लिखित संविधान है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो हाँ ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें लिखित संविधान है, तो क्या है कि यहां पर क्या है कि संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान को सर्वोच्चता प्राप्त है, सर्वोच्चता प्राप्त है। यानी कि बात करें हम लोकतांत्रिक देश देशों की, यानी कि भारत, ब्रिटेन है और यूएसए अमेरिका, इनकी अगर हम बात करें तो ये क्या है कि लोकतांत्रिक देश है और इसमें लिखित संविधान है। अब संविधान को, इसमें क्या है कि जो लोकतांत्रिक है और लिखित संविधान है, यहाँ क्या है कि संविधान को सर्वोच्चता प्राप्त है, शासक को नहीं, शासक को नहीं, यानी कि इसमें संविधान को सर्वोच्चता प्राप्त है, वहां के शासक को सर्वोच्चता प्राप्त नहीं है। संविधान क्या है यहाँ पर, क्या है, और नागरिकों के क्या है, नागरिकों के असीमित अधिकार है यहाँ पर, नागरिकों के असीमित अधिकार, यानी कि कोई सीमा नहीं है उनकी, नागरिकों के जो अधिकार है उनकी कोई सीमा नहीं है इन देशों में, ठीक है। यानी कि यहाँ पर नागरिक के, नागरिकों को असीमित अधिकार प्राप्त है, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर, यानी कि लोकतांत्रिक देशों की अगर हम बात करें, लिखित संविधान है, वहां पर लोकतंत्र है, तो उनकी बात करें तो संविधान को सर्वोच्चता प्राप्त है, शासक को नहीं, शासक की सर्वोच्चता को क्या है, गौण रखा जाता है, और नागरिकों को असीमित अधिकार प्राप्त है। तो क्या है, कहने का तात्पर्य ये है कि संविधान यहाँ पर क्या है कि संविधान ही सर्वोच्च विधि है, संविधान ही सर्वोच्च विधि है, ठीक है। अब संविधान ही सर्वोच्च विधि है, अगर हम आगे बात करें, हमने बात की लोकतांत्रिक देशों की, जैसे भारत है, ब्रिटेन है, यूएसए है, यहां पर क्या है, लोकतंत्र है, संविधान है, कौन सा, लिखित संविधान है। अगर इनकी हम बात करें तो इसमें यहां पर क्या है कि संविधान को सर्वोच्चता प्राप्त है, शासक को सर्वोच्चता प्राप्त नहीं है, नागरिकों, यहाँ के नागरिकों के अधिकार भी असीमित हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि लोकतांत्रिक और लिखित संविधान में क्या है कि संविधान ही सर्वोच्च विधि है, ठीक है। अगर हम बात करें गैर लोकतांत्रिक देशों की, अब हम बात करते हैं गैर लोकतांत्रिक देशों की, ठीक है, यानी कि हम बात करते हैं गैर लोकतांत्रिक देशों की। अगर हम बात करें गैर लोकतांत्रिक देशों के उदाहरण के रूप में मैं ले लेता हूं यहां पर सीरिया को। सीरिया क्या है, एक ऐसा देश है जो क्या है, गैर लोकतांत्रिक है, गैर लोकतांत्रिक है, गैर लोकतांत्रिक देश है और यहां पे क्या है, अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान है,
हम बात कर रहे हैं गैर लोकतांत्रिक देशों की, यानी कि संविधानवाद। बात हुई थी संविधानवाद को संविधान से अलग किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है वो हम पढ़ते हैं कि हमने गैर लोकतांत्रिक देशों में देख लिया। अब बात कर रहे हैं गैर लोकतांत्रिक देशों को देख लिया, अब बात कर रहे हैं गैर लोकतांत्रिक देशों की। अगर हम बात करें सीरिया की, सीरिया देश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि गैर लोकतांत्रिक देश है ये, और यहाँ पर क्या है कि अलिखित संविधान है, और इसके साथ साथ क्या है यहां पर संविधान को सर्वोच्चता प्राप्त नहीं है, सर्वोच्चता प्राप्त नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, जो हम यहां का जो शासक है, शासक को सर्वोच्चता प्राप्त है, शासक को सर्वोच्चता प्राप्त है, ठीक है। और जो यहाँ के जो नागरिक है, अगर हम यहाँ के नागरिकों की बात करें तो उनके अधिकारों की बात करें, नागरिकों के क्या है सीमित अधिकार है, सीमित अधिकार है, नागरिकों के सीमित अधिकार है, यानी कि क्या है कि भारत अगर गैर लोकतांत्रिक देशों की अगर हम बात करें तो गैर लोकतांत्रिक देश, यानी कि हम सीरिया देश की बात करते हैं तो ये क्या है कि गैर लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर अलिखित संविधान है। जब ये गैर लोकतांत्रिक देश है यहाँ पर अलिखित संविधान है, कि इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर क्या है कि संविधान को सर्वोच्चता प्राप्त नहीं है, बल्कि वो यहाँ के शासक को सर्वोच्चता प्राप्त है, और यहाँ के जो नागरिक है उनको क्या है इनके सीमित अधिकार है, ठीक है। इस प्रकार क्या है कि जहां जिस देश में क्या है कि संविधान को सर्वोच्चता होती है, ठीक है, यानी कि इस प्रकार क्या है यहां पर हमने देखा कि संविधान को सर्वोच्चता प्राप्त नहीं है, शासक को सर्वोच्चता प्राप्त है, नागरिकों के सीमित अधिकार होते हैं, यहाँ पर असीमित अधिकार नहीं है, यानी कि जो अधिकार नागरिकों के वो क्या है सीमित है। और हमने क्या देखा था लोकतांत्रिक देशों में, हमने बात की भारत, ब्रिटेन और यूएसए की बात की थी, वहां पर क्या है कि लोकतांत्रिक देश है, लिखित संविधान है, वहां पर संविधान को सर्वोच्चता प्राप्त है, शासक को नहीं और नागरिकों के असीमित अधिकार है, ठीक है। तो अगर हम अब बात करते हैं हम संविधानवाद की, जिस प्रकार से हमने बात की थी संविधानवाद की, तो संविधानवाद को क्या हमने देखा था कि संविधानवाद को संविधान से अलग किया जा सकता है, और वो कैसे किया जा सकता है वो देखो कि जिस देश में संविधान को सर्वोच्चता प्राप्त होती है, संविधान को सर्वोच्चता प्राप्त होती है वहां पर क्या होता है, वहां पर संविधानवाद होता है, ठीक है। इस प्रकार यानी कि कहा है कि जिस देश में संविधान को सर्वोच्चता प्राप्त होती है वहां पर संविधानवाद होता है, संविधानवाद होता है। हमने कहा था कि संविधानवाद को संविधान से अलग किया जा सकता है, यानी कि जहां पर संविधान को सर्वोच्चता प्राप्त है उस वहां पर संविधानवाद होता है, और जहां पर संविधान को सर्वोच्चता प्राप्त नहीं है वहां पर संविधानवाद नहीं होता। इस प्रकार क्या है कि संविधान क्या है कि एक विधि का शासन है, संविधान क्या है विधि का शासन है, और वो शासन कैसा है सीमित शासन है, यानी कि जिस देश में संविधान को सर्वोच्चता प्राप्त होती है वहां पर क्या होता है वो वहां विधि का शासन होता है, कानून का शासन होता है, यानी कि संविधान का शासन होता है, और जो शासन होता है वो क्या होता है सीमित होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, कल हम पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके, थैंक यू।